नमस्कार, एनसीआर टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो बात करते हैं खबरों की। फरीदाबाद सेक्टर 28 के देवेंद्र सिंह ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बहु प्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लिया, जिसमें उसने 11 सवालों का सही जवाब देते हुए 6,50,000 रुपए जीते हैं। बता दें कि देवेंद्र सिंह ने जीते हुए पैसे की कुछ राशि को गरीब और भूखे लोगों को मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने के लिए खर्च करने का प्रण लिया है। देवेंद्र सिंह का कहना है कि वो पिछले 18 सालों से इस शो में जाने का प्रयास कर रहे थे। 18 साल के इंतजार के बाद उसे करोड़पति की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। देवेंद्र ने जीती हुई इनामी राशि से फरीदाबाद के सेक्टर 28 के मेट्रो स्टेशन पर गरीब और जरूरतमंदों को मात्र 5 रुपए में स्वादिष्ट भरपेट खाना खिलाया। हम चाहते हैं ऐसी पहल सभी लोगों को करनी चाहिए ताकि कोई भूखा ना रहे। ये अभी तक तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर रहा था। हम लोग आपस में फ्रेंड्स, मेरा ब्रदर, हम कंट्रीब्यूट करके कर रहे थे। लेकिन जब से मैं कौन बनेगा करोड़पति से आया हूँ तो लोगों को इस इनिशिएटिव के बारे में पता लगा है। न्यूज़पेपर में भी एक बार आ चुका है। तो लोगों, अब बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। वो अलग अलग सिटीज़ में वो चाहते हैं कि मैं इसको अलग अलग सिटीज़ में उनके शहर में कैसे शुरू करवाएँ, उनको कैसे शुरू करवाएँ, तो कैसे और लोगों को कैसे साथ में जोड़ पाएँ। तो ये बहुत बड़े लेवल पर ले जाने के बाद लोग कर रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। लोग पैसे से, यू नो, तन मन धन से वो इसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो लोग, लेकिन अभी हम फिलहाल कोई कैश डोनेशन वगैरह फंडिंग नहीं ले रहे, क्योंकि अभी हम एज ए कंट्रीब्यूट करके आपस में फ्रेंड्स कर रहे थे। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी को हम रजिस्टर करा लें ताकि लोगों को अगर कैश डोनेशन भी करना है तो उसमें कर। बल्लभगढ़ में सेक्टर 2 के हुड्डा मैदान में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया और पुलिस ने दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में भी समझाया। साथ ही मैराथन दौड़ के अलावा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा, एसडीएम राजेश कुमार, मार्केट कमेटी के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी, पुलिस के अधिकारियों ने मंच पर हरियाणवी डांस किया। इस मौके पर स्कूली बच्चे, पुलिस प्रशासन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि सभी ने मिलकर आनंद लिया और संदेश दिया कि वे किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं और अपने दिमागी परेशानी को कैसे कम कर सकते हैं। विधायक मूलचंद ने राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम से ये कहा कि इंसान हर रोज की थकान को दूर कर एक स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर बना सकता है। अच्छा जोश है, आज बल्लभगढ़ में पहली राहगिरी है और यहाँ के ये था कि शिकायत थी कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता नहीं और आज यहाँ फरीदाबाद से भी ज़्यादा क्राउड है और लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये पूरा तरह से एंटरटेनमेंट कार्यक्रम है, डिस्ट्रेस करने के लिए, कि लोगों की दिनचर्या अच्छी हो, भाईचारा कायम हो। बल्लभगढ़ में पहली बार राहगिरी का प्रोग्राम रखा गया है। पहले फरीदाबाद में कई बार हुआ है और बल्लभगढ़ के अधिकारी जिसमें एसडीएम साहब, एसीपी जितने अधिकारी हैं, मैं उनको इस बात की बधाई देना चाहता हूं। जो बल्लभगढ़ के लोग इस बात की कहते हैं, हमारे बल्लभगढ़ को कुछ नहीं होगा और पहले एक शुरुआत कर ली और लोगों को इस बात का लाभ मिलेगा। लोगों का एक 2 घंटे जो है, लोगों को हंसने का, बोलने का, दहकारियों का, एक दूसरे मिलने का मिलने लगा और आदमी महसूस करेगा कि मैं शहर में इस प्रोग्राम में आया हूँ और वास्तव में जो फरीदाबाद में कभी हुआ करता, आज बल्लभगढ़ में पहली शुरुआत। तो फरीदाबाद सेक्टर 14 स्थित मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल में लिटरेचर उत्सव के पहले दिन छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित भल्ला ने स्कूल के नए विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। इस दौरान मानव रचना के ट्रस्टी डॉक्टर एमए कथुरिया, स्कूल की ईडी दीपिका भल्ला, प्रिंसिपल ममता वाधवा और एमआरआईआईआर एस के वीसी डॉक्टर एनसी वाधवा भी मौजूद रहे। उत्सव में दिल्ली एनसीआर के करीब 1200 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। इस इवेंट में म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग, स्क्रेबल जोन, थिएटर, स्कल्पचर मेकिंग, सिंगिंग, डांस जैसी एक्टिविटीज हुई। इस मौके पर जामिया मिलिया इस्लामिया के जाने माने प्रोफेसर अनीस सिद्दीकी, संजय मट्टू, ऋतु प्रणा घोष, प्रदीप खुशरे, रंजीत लाल, देविका जैसे आर्थर्स और कलाकारों से छात्रों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ये शायद स्कूल्स में हम लोग बहुत पहले से मिस कर रहे थे, बट ये एक्टिविटीज से बच्चों को शुरू से एक ओरिएंटेशन मिलती है, बहुत जरूरी। ये वाली बुक्स तो हमारे मानव रचना स्टूडेंट है ना, उनकी लिखी हुई बुक है। अच्छा। और 3 बुक्स हैं जो बच्चों ने लिखी। दिस इज फ्रॉम एमआरआई स्टूडेंट्स और ये एंड दिस इज।
ये जो बुक स्टॉल आपने लगाई है यहाँ पे, इसका मोटिव क्या है? मोटिव यही है कि बच्चों को पता लगे कितनी टाइप की बुक्स है। हमने पब्लिशर भी बुलाए हैं डिफरेंट जी जी जी, तो उनको पता लगे कितनी तरह की बुक्स है यहाँ पर, और उनका ना बुक्स की तरफ आकर्षित हो और बुक्स को पढ़े, बस यही पर्पज है। अट्रैक्ट हो बुक्स की तरफ, हमारा पर्पज तो यही होता है। राइटिंग को प्रमोट करने के लिए हमने लिखे हैं। अच्छा, सो वी हैव रिटन दीस बुक्स, सो वी आर प्रमोटिंग। मैं कहूंगी कि इतना अच्छा इनिशिएटिव पूरे फरीदाबाद में आज तक नहीं हुआ है। एटलीस्ट मानव रचना ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके चिल्ड्रन लिटरेचर को एक बहुत ही बड़े मुकाम पे पहुंचाया है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ इतनी बड़ी बड़ी लिटरेचर पर्सनैलिटीज, आर्ट की पर्सनैलिटीज, थिएटर पर्सनैलिटीज आई हुई हैं, और बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम हर साल मानव रचना करें, ताकि फरीदाबाद में बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिले। तो बात करते हैं बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ की पंजाबी धर्मशाला में आयोजित विशाल महिला अधिकार सम्मेलन में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक कुमारी शारदा राठौर ने की, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान, प्रदेश प्रभारी अनुपमा रावत, तिगांव के विधायक ललित नागर विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे। सम्मेलन में मौजूद हजारों की तादाद में महिलाओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव का भी पगड़ी बांधकर सम्मान किया और उन्हें शक्ति रूपक तलवार भेंट कर बीजेपी के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंकने का कार्य किया। सुष्मिता देव ने बीजेपी को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि मोदी मनोहर सरकार हरियाणा में महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से असफल साबित हुई है। महिला अपराधों में आज हरियाणा देश में नंबर वन बन गया है। आज का कार्यक्रम महिला अधिकार यात्रा फरीदाबाद आई है, जो पूरे देश में चल रही है। हरियाणा में 30 तारीख को पंचकुला से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी, प्रदेश अध्यक्ष मित्रा चौहान जी ने यात्रा की शुरुआत की, और आज 19वां जिला है फरीदाबाद। आज यहाँ महिला अधिकार यात्रा आई और महिला अधिकार सम्मेलन हुआ है। उसमें हमने आदरणीय सुष्मिता देव जी के सामने रखा समान काम समान वेतन का अधिकार महिला को मिले, सुरक्षा मिले, कार्य क्षेत्र में CCTV कैमरे लगे, स्वरोजगार करने के लिए हमें बिना ब्याज के लोन मिले, और जो महिला का शोषण करते हैं, जो महिला पर अत्याचार करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लोकसभा विधानसभा और नौकरियों में हमें आरक्षण मिले। आज हमने मांग की है कि महिलाएं 33% आरक्षण तो चाहती ही हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपनी समानता भी चाहती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी हमने कहा है कि हमें फ्री सुविधाएं हों, और जो कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो है आदरणीय सुष्मिता देव जी, उसमें हमारी मांग रखें, ऐसा हमारा मानना है। मैं बिल्कुल ये कहने वाली हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम मोदी सरकार और खट्टर सरकार के खिलाफ एकजुट करेंगे। हम गली गली घूमेंगे और ऐसी नाकारा नेशनल मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो महिला अधिकार यात्रा, इसकी घोषणा हमने 7 अगस्त में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया था, जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उपस्थित थे। इसमें हमारे दो उद्देश्य हैं। पहली बात तो महिला पर बढ़ते हुए अत्याचार और अपराध, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो इतनी बढ़ गई है कि हरियाणा को तो रेप कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा हम मानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी ने पानीपत से लगाया था, और हरियाणा में 8 महिलाओं का रेप होता है ऑन अ डेली बेसिस। हरियाणा इस हद तक, हरियाणा में महिला सुरक्षा इस हद तक मैं मानती हूँ कि व्यवस्था खराब है कि विमेन पुलिस स्टेशन, महिला के पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिस अफसर का अगर बलात्कार हो जाए तो हरियाणा में कितना बदहाल है। इन मुद्दों को महिलाओं के बीच में जाके उठाना। इसके अलावा हमने कई गांव में एक चौपाल के माध्यम से महिलाओं से ये पूछा है कि वो कांग्रेस से क्या उम्मीद रखते हैं। इसलिए इसमें सिर्फ नेगेटिव कैंपेन नहीं है, इसमें पॉजिटिव कैंपेन भी है। खबर पलवल से है। पलवल में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी के काफिले पर हमला करने के आरोपित एक युवक बदलू उर्फ डालू की पहचान करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बहन थाना प्रभारी रामदयाल ने कहा कि पुलिस ने मौके पर बनी वीडियो के वायरल होने के बाद उसमें दिख रही बाइक के नंबर के आधार पर मानपुर निवासी बदलू उर्फ डालू को गिरफ्तार कर लिया है।
साथ ही पूछताछ के दौरान आरोपी युवक से घटना स्थल मानपुर के रहने वाले चार लोगों के नाम बताए हैं। घटना की वीडियो आने के बाद युवकों की पहचान मोटरसाइकिल नंबर से की गई है, जिन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जल्द ही अन्य आरोपितों का पहचान कर गिरफ्तार भी किया जाएगा। आरोपी बबलू सनो बालू को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की शिनाख्त करके शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जो इसने अपने चार साथियों के नाम और बताए हैं, जिन बंदोबस्त दी गई है, वो घर से भाग गए, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तो साथ ही पलवल के गांव बासवा में एक किसान के जरिए धान की पराली जलाए जाने पर जिला उपायुक्त ने गांव की बिजली पानी को बंद कर दिया। बता दें कि जिला उपायुक्त के आदेश पर बिजली विभाग ने गांव की बिजली और पानी को एक घंटे के लिए बंद कर दिया था। जब इसकी सूचना पलवल के कांग्रेस के विधायक करण सिंह दलाल को लगी तो उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन सरकार के आदेश पर एक दो किसानों के माध्यम से पराली जलाने जाने पर इसकी सजा पूरे गांव को दी जा रही है और जो प्रशासन ने गांव के बिजली पानी को बंद किया है यह सही नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बिजली पानी बंद करनी है तो प्रशासन उनकी बंद करे जो रोजाना कंपनियों के प्रदूषण से हो रहा है। किसानों को बिना वजह क्यों परेशान किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि असली प्रदूषण तो कंपनियों के माध्यम से ही होता है। हमारे गांव में नंबरदार एग्रीकल्चर के कुछ अधिकारी तो किस गांव में हमारे में एक पलाई जलाई तो उसकी वजह से वो यहाँ आए कट्टे गांव के और भी आदमी हुए तो फिर वहाँ पर तो लगी हुआ में बिजली आज नहीं आई तो बिजली वाले से पता तो करीब भाई बिजली कैसे नहीं आई। हाँ जी बल जी हम पे ऊपर से आदेश है उसकी वजह से हमने बिजली बंद कर दिया आपकी। अच्छा और आठ घंटा बिजली दिए सरकार के और प्रशासन के इस तरह के तुगलकी फरमान की घोर निंदा करते हैं। सरकार और प्रशासन को लानत देते हैं कि ऐसे समय में जब किसान अपने कामों के लिए बिजली और पानी के लिए भागदौड़ करता है और एक किसान के कसूर की वजह से सारे गांव का इस तरह से बिजली पानी का कनेक्शन काट देना, इस तरह की हरकत है तो मुगल काल में और अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ करती थी। दिनों में इन सब बातों का हिसाब देना होगा और प्रदूषण को अगर रोकना है तो ये सरकार जो कारखाने हमारे दोनों जिलों में जो नाजायज चल रहे हैं जिनकी वजह से प्रदूषण बिगड़ रहा है उनका कनेक्शन काटने को नहीं जा। तो प्रथला में पार्टी की नीति और चार साल के कार्यालय में किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रथला विधानसभा के गांव चंदावली से गांव मोहना तक करीब 17 किलोमीटर लंबी सेवा संकल्प यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा के बारे में बताते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और यात्रा के संयोजक सोनपाल छोकर ने कहा कि ये यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। साथ ही यात्रा का उद्देश्य लोगों तक पार्टी की नीतियों और विकास कार्य का लेखा जोखा पहुंचाना है। इसके अलावा केंद्र राज्य मंत्रियों ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में किए गए पेट्रोल के दामों की कमी का उद्देश्य लोगों को बढ़ती तेल की कीमतों से राहत पहुंचाना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर पूरे देश में इस तरह की संकल्प यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज इसी निमित्त पिछला विधानसभा में चंदावली से मोहना तक अपने सोनपाल छोकर जी हैं, जिला के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी हैं, हम सब सोनपाल जी की अगुवाई में यहाँ से आज पदयात्रा शुरू करेंगे जो मोहना में जाकर आज समाप्त होगी। और इस संकल्प यात्रा का एक ही मकसद है कि गांधी जी ने जो सपना देखा था भारत को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का, उस सपने को आज़ादी के 68 साल बाद इस देश में कोई अगर संकल्प पूरा कर रहा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। एनसीआर टाइम्स में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।